एक मिनट हाँ इस पर रखिए सभी अभी नहीं ना। सफ़र के बारे में क्या कहें, देखिए देखते देखते 10 साल ऑलमोस्ट पूरे हो गए, 2500 एपिसोड हो गए, 2500 जब सीरियल की शुरुआत हुई थी तब हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी लंबी सफ़र हम तय कर पाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा कि अभी तो मंजिल बहुत दूर है। अभी तो 2500 हुए है, कम से कम 5000 तो पूरे करेंगे ही करेंगे। जरूर करेंगे। ये अपना लंबी रेस का घोड़ा है, शतरंज का घोड़ा कैसे 2500 चलता है, अपना 2500 चला है तो अभी और आगे जाएगा। खाली पाँच फिलहाल देखिए अचीवेबल टारगेट अचीव कर मतलब बोलना चाहिए। हाँ। फिर ऐसा ना लगे कि हम लोग मैं चाहता हूँ जेठालाल भी ऐसे ऑल टाइम नहीं वाकई में ये जो क्या बोलते हैं जो अपनापन है ये जैसे अभी थोड़ी देर पहले सब जैसे मौका में जब टेबल टेनिस खेल रहे थे या कभी रीडिंग करते करते सीन के रीडिंग करते करते हम लोग कभी कभी एक दूसरे की मजाक करते रहते हैं, ये जो माहौल है पूरा जो खिलजुली वाला माहौल है, किसी को कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बिल्कुल मिलजुल के हम सब जो काम करते हैं, ये माहौल वाकई में हम लोग जब भी हर चीज़ जिसकी भी शुरुआत होती है उसका एक अंत तो होता है, लेकिन उसकी बात हम अभी यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ये तो चला ही जा रहा है, लेकिन हाँ ये सब जो मोमेंट्स है वो याद रहेंगे। हाँ ऑफ स्क्रीन भी अगर वैसी नोकझोंक चलती रहती तो 2500 एपिसोड नहीं होते। और हो भी नहीं सकती, ये कुंवारा है। ये जादू चल रहा है। और व्यूअर्स को लगा था इतना प्यार जिन्होंने आपको दिया है और हमेशा का साथ दिया, टीआरपी में शो अभी भी टॉप 5 में है, बस और क्या कहेंगे, इसी तरह आप अपना प्यार हम अपना आशीर्वाद इसी तरह हम पे बरसाते रहे और लगातार 10 साल तक आपने हमें जो साथ दिया है इसी तरह साथ देते रहिए, हम आपको हंसाते हुए थकेंगे नहीं, आप हंसते हुए थकना मत। हम लोग मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग हमेशा विजय असू बोलते हैं ना, आज प्रेक्षकांचा विजय असू है कि नहीं। तारक मेहताच्या सगळ्या प्रेक्षकांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। बहुत खुश है यार, 2500 एपिसोड किसको सपने में भी नहीं सोचा था जब हमने स्टार्ट किया था, तो लाइक एज यूजुअल 6-8 महीने में सीरियल बंद हो जाते थे एंड आज इट्स लाइक गोइंग टू एंटर 11th ईयर, 2500 एपिसोड, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, इट्स अनबिलीवेबल, बट स्टिल हम लोग को एकदम न्यू लगता है, हर दिन हम इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, आई एम श्योर ये पॉजिटिविटी जो है सेट पे बिटवीन ऑल द एक्टर्स एंड द टीम मेट्स, इसकी वजह से ये सीरियल इतना चल रहा है एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव ऑफ द ऑडियंस, बिकॉज ऑडियंस देखती है हम लोग को, इतना आशीर्वाद देती है, प्यार करती है, वो सब हमारे साथ है, भगवान का आशीर्वाद है और क्या चाहिए। क्योंकि देखो जो जो चीज़ दिल से निकली होती है ना वो हमेशा आपके दिल को छूती है, यहाँ जो है ना हम लोग का जो स्क्रिप्ट भी आती है वो सब यू नो ऐसी लिखी हुई आती है कि जो डे टू डे बेसिस पे है, फिर हम लोग भी अपना एडिशंस जो भी देते हैं सब दिल से करते हैं यहाँ पर, तो आई एम श्योर उसकी वजह से है ना सब ऑडियंस के हार्ट को छूती है, तो इसको ये अपनी जगह पर रहेगा, बाकी जो भी ऊपर नीचे जाए वो भगवान उनके साथ है, लेकिन हमारे साथ भगवान हमेशा रहेंगे, मुझे मालूम है। बहुत अच्छी जर्नी रही, मतलब कभी लाइफ में नहीं सोचा था लिटरली कि इतने अच्छे इतने सारे एपिसोड्स होंगे एंड मैं तो डबल लकी हूँ कि मैं तो बीच में डिलीवरी के लिए भी गई, लाइक 3 इयर्स मैं तारक मेहता में नहीं थी बीच में, मेरी बेबी हुई थी तो उसके बाद में वापस आई, तो ये तो सिर्फ भगवान का आशीर्वाद है और फैंस का प्यार है। नहीं
नहीं, हम लोग की बॉन्डिंग शुरू से डे वन से, खास करके हम लोग लेडीज लोग की डे वन से वी बॉन्डेड जस्ट लाइक एनीथिंग। हम लोग फर्स्ट डे मेकअप रूम में साथ में बैठे थे और वो जो मस्ती तब थी वो आज भी है हम लोग में। ऑन स्क्रीन जितनी हम करते हैं उससे डबल ज़्यादा हम लोग ऑफ स्क्रीन मस्ती करते हैं। हमेशा हम लोग की मस्ती चलती रहती है, वही पॉजिटिविटी है यार लाइफ में। मतलब आए हैं मस्ती करो और क्या है यार। नहीं, टच वुड हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। कभी कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस आते भी हैं तो वी जस्ट सॉर्ट आउट जस्ट लाइक एनीथिंग, यू नो। हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो चीज़ को वहीं ख़त्म करते हैं। वो चीज़ को वहीं ख़त्म कर दो ना, बोल दो तो निकल जाता है। उसको मन में रखो तो प्रॉब्लम, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, नज़र नहीं लगनी चाहिए ना, तो उसके लिए काला टीका ज़रूरी होता है। वैसे काले टीका जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं पर वो निकल जाती हैं। आप लोग जैसे देख रहे हैं 2500 एपिसोड से तारक मेहता पिछले 10 साल से, अभी 11वें साल में मेंटर हो रहे हैं, ऐसे ही देखते रहिए, अपना प्यार हम लोग को देते रहिए, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ी दीजिए हम लोग को। और हमेशा हम लोग अभी जैसे 2500 एपिसोड हो रहे हैं, वैसे 5000 एपिसोड में आप ज़रूर तब भी ऐसा मेरे इंटरव्यू लीजिए और क्या। हमारा बड़ा व्यूअर्स थी, हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ तारक मेहता ने उल्टा चश्मा हमेशा देखते रहना। मैंने वो तमिलों को मारा फैन छो, पर हूँ तमिलों को नहीं फैन छो, तमिलों को नहीं होता हम लोग को कैम हो, हाँ प्लीज़ जोटा रहे जो। बाय बाय, थैंक यू। अभी ये 2500 के बीच में बात करनी है। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, 2.5 एपिसोड्स कंप्लीट हुए। थैंक यू सो मच। नहीं बहुत, मैं थैंक यू तो नहीं कहूँगा दर्शकों को, कि मैं जानता हूँ कि थैंक यू बहुत छोटा सा शब्द है। इस ये जो उपलब्धि हमने हासिल की है और ये बिल्कुल दर्शकों की वजह से है, तो हैट्स ऑफ टू यू गाइज। मतलब ये हम लोग को सहने के लिए, हम लोग को सराहने के लिए। और मैं ये कहूँगा कि जैसे शतरंज का जो एक घोड़ा होता है जो 2500 घर चलता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा लंबी रेस का घोड़ा है जो 2500 घर चला है, और आपका ऐसे ही आशीर्वाद है तो और 2500 घर चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बस वही एक ही कारण है, सामने आपके है दर्शक, इन्हीं की वजह से है, क्योंकि दर्शक ही तय करता है कि टीआरपी क्या होनी चाहिए। दर्शक ना पसंद करते तो आपका शो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, दर्शक पसंद करते तो आप अपने आप ऊपर आ जाते हैं। तो ये इस बात की गवाही है कि हम लोग को पिछले 10 साल से हमेशा 1-5 में दर्शकों ने रखा है। और मतलब यही दर्शकों की वजह से हमें ये ताकत मिली है कि हम लोग अच्छे से अच्छा दर्शकों तक पहुँचाते रहे। बहुत बढ़िया, बहुत एक्साइटिंग, बहुत सारे खुशी के पल है, बहुत सारे इसमें अप्स एंड डाउन्स है। डाउन्स तो नहीं बोलूँगा, अप ही अप है बेसिकली। कुछ चीज़ें हमें पर्सनल लेवल पे थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी, लेकिन वो सब इस जो प्यार मिला है उसके आगे वो चीज़ें कुछ भी नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि हर एक बंदे ने, मतलब राइट फ्रॉम आर्टिस्ट टू टेक्निकल डिपार्टमेंट, हर एक बंदे ने इस शो को टॉप प्रायोरिटी पर रखा है, जिसकी वजह से आज ये शो इतना आगे आ पा रहा है। बदलाव आया है उम्र का। उम्र का तो सबसे बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि जब अभी बच्चे बोलते हैं कि हम बचपन में आपकी सीरियल देखते थे, तो एहसास होता है कि अरे वो तो काफ़ी सालों के मतलब। लेकिन फिर भी ये एक अच्छी बात है कि एक पीढ़ी जवान हो गई तारक मेहता देखते देखते, दूसरी पीढ़ी तैयार हो रही है तारक मेहता देखने के लिए। एक पीढ़ी पर अच्छे संस्कार हुए तारक मेहता देखते देखते, दूसरी पीढ़ी पर भी अच्छे संस्कार हो रहे तारक मेहता देखते देखते। वो तो आपको दिख ही रहा है, मैं बॉन्डिंग की बात करूंगा, क्योंकि अगर बॉन्डिंग नहीं होती तो आजकल मेरे ख्याल से बहुत सारी सीरियलें बंद करने पड़ने का कारण यही होता है कि किसी कलाकार में नोकझोंक हो जाती है या कोई ईगो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। टच वुड हमारे यहाँ पे अब एक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं, सब जो सक्सेस मिला है सीरियल को उसकी सब वैल्यू करते हैं। और मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा कारण है कि आप जब अपने सक्सेस की, आपकी मेहनत की वैल्यू करते हैं तो ऐसे कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करते। बस तारक मेहता का उल्टा चश्मा ऐसे देखते रहिए, और आपने जो हमें 10 साल में ये प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, ऐसे ही बरकरार रखिए। और हमसे पूरा वादा करते हैं कि अगले 10 साल तक हम आपको ऐसे ही हंसाएंगे, आपके गम भुलाने में आपकी मदद करेंगे, और आपके होठों की हंसी कभी हम लोग कम नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप सभी दर्शकों का मनपूर्वक आभार मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Start your career with us.